सो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट में। तो आज हम बात करने वाले देसी गमले के बारे में, क्योंकि अमित भाई ने बोला है कि जो भी लोग उनके लाइव स्ट्रीम से हाईलाइट यूज़ करेंगे उनके लोगों के साथ, तो उनको स्ट्राइक मारेंगे। तो उससे रिलेटेड थोड़ी क्लिप चलिए देखते हैं। बहुत सारे फेक चैनल्स मेरा जैसे देसी गेमर नाम लगाते हैं, अमित भाई नाम लगाते हैं, मेरा फोटो लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं और मेरा लेटेस्ट स्ट्रीम का हाईलाइट या फिर पूरा स्ट्रीम छाप देते हैं। तो उन सब चैनल को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब मत करो, जो हुआ उसके लिए माफी अब मत करो, वरना एक दो दिन के बाद अगर मैं फिर वो चीज फिर से देखूंगा तो मैं सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक सेंड करूंगा। एंड एक नहीं दो नहीं भाई, कितना जाएगा आई डोंट नो, जितने भी पुराने तब पूरा देखा जाएगा। तो जून 1 तारीख के बाद से अगर आपको ये सब चीज आप करोगे, मेरा लेटेस्ट स्ट्रीम का हाईलाइट बना के डालोगे, मतलब भाई फैन पेजेस अलग होते हैं, ठीक है भाई, ये लोग फेक पेजेस है देसी गेमर भाई, एक तो वेरीफाइड है देसी गेमर, ठीक है। तो मैं उन सब भाई लोगो बदल लो, अभी भी टाइम है, मैं तो चाहे तो मेरा वीडियो यूज करो ना करो, मेरा लोगो मेरा नाम बदल लो, वरना मैं मेरे पास वो राइट्स है मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। सो वो सब ना करो, जो हो गया सो हो गया, अब से आप लोग मेरा वीडियो छापना बंद करो गलत तरीके से। और बहुत सारे लोग मतलब गलत तरीके से मेरा फोटो का यूज करते हैं, वो लोग भी वैसा मत करो। कुछ है अभी मैं मान लो यहाँ पर कुछ निकालता हूँ तो उसका हाईलाइट बनाकर डाल देते हैं भाई, दूसरा चैनल डालेगा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट यार देसी गेमर ही नाम रखते हैं, मेरा लोगो लगाते हैं, तो भाई मेरे को मरवाने के पीछे पड़े हो क्या, गलत बात नहीं है, विदाउट परमिशन वो भी मत करो, वरना मेरे पास स्ट्राइक भेजने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद तुम जस्टिस मांगते फिरोगे और कोई जस्टिस मांगे लाल दे नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्राइक भेजना ना भेजना मेरे हाथ पे होता, आज तक मैंने दिया नहीं है, तो मैं भी अभी भी चांस दे रहा हूँ। 26 तारीख है, 4 दिन का टाइम है, सुधार लो सब कुछ, 1 तारीख से भाई मेरे तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक जाना शुरू हो जाएगा। तो बातें मत बोलना, ठीक है, ये फेक चैनल्स वगैरह को जो देसी गमर नाम लगाते हैं, 20-40 हज़ार सब्सक्राइबर बनाते हैं, चैट में जाके स्पैम करते हैं दूसरों के चैट पे, टेलीग्राम टेलीग्राम में भी गाइस मेरा एक फेक अकाउंट है, 1 लाख फॉलोवर लेके बैठा हुआ है, आई डोंट नो कौन है, 1 लाख का ग्रुप है टेलीग्राम का, मैंने वो भी देखा है। इंस्टाग्राम में भी इतने सारे फेक पेजेस है, सबको उड़वाऊंगा, रुको धीरे धीरे भाई, जरूरी नहीं ना फैन पेजेस है सब लोग, बट वो लोग स्कैम करते हैं, डायमंड वायमंड ये वो लोग दिखा के लोगों को काट देते। और हाँ गाइस, आपको मेरे साथ इस चैनल में काम करना है तो मुझसे इंस्टाग्राम में बात जरूर करना। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, तो अभी हम बात करने वाले हैं रॉकेन RDX के बारे में, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने राइस्टार को किक कर दिया, तो उससे रिलेटेड छोटी क्लिप चलिए देखते। राइस्टार बोला मैंने किक किया, भाई मैं क्यों किक करूंगा भाई, मेरी माँ की कसम मैं क्यों किक करूंगा, मेरे को बताओ, मैं आप लोग मेरे को बताओ मैं क्यों किक करूंगा, मैं कौन होता हूँ किक करने वाला, मैं कैसे किक करूंगा मेरे को बताओ गाइस, मैं तो कास्टर हूं, मेरी क्या औकात है, मैं कैसे किसी को किक कर सकता हूं, ये ई स्पोर्ट्स का मुकाबला है। अभी मेरे को एक बात बताओ, इफ आई एम डूइंग अ टूर्नामेंट तो मैं ज्ञान गेमिंग से जो टीमें बुला रहा हूं क्या मैं खुद नहीं चाहूंगा, दिल पे हाथ रख के बताना कि राइस्टार आए और खेले, ज्ञान भाई आए और खेले, बट ज्ञान भाई देखो क्योंकि ज्ञान भाई पीसी में खेलते, ये ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है इसीलिए पीसी प्लेयर अलाउ नहीं है। राय को हमने 50 बार इन्वाइट किया है, राय बोलते हैं मैं कोई भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहता हूं, तो नहीं आते। मेरा क्या है, आप देखो क्रिटिकल एक्स में राइस्टार नहीं खेलते हैं, तो आप क्या ये बोलोगे क्रिटिकल एक्स वालों ने भी किक कर दिया राइस्टार को, भाई समझो थोड़ा, गरीना के इवेंट भी नहीं खेलते राइस्टार, तो क्या बोलोगे गरीना किक राइस्टार जस्टिस फॉर राइस्टार, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, हम में से किसी ने नहीं किया, यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, आप बिल्कुल गाइस बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। अगर हमको कोई दिक्कत होती तो हम ज्ञान गेमिंग टू साइड गेमर्स, इनकी मल्टीपल टीम्स कैसे आती, ई स्पोर्ट्स खेल ही रहे हैं ना, राय नहीं खेल रहे ई स्पोर्ट्स तो क्या करें, वो खुद ही नहीं आ रहा है, आप बोलो राइस्टार को अगला मैच ज्वाइन करना है, आप ज्ञान गेमिंग के किसी भी खिलाड़ी को बोल दो ज्वाइन कर ले, हमको क्या दिक्कत है भाई, राय खेले तो हमारा ही भला है, बट नहीं खेलना चाहते तो क्या करें, आप बोलते हो रॉकी भाई क्लैश कोड में बुलाओ, राइस्टार तब खेल रहे होते GTA 5, फिर आप बोलोगे कि नहीं उसको कैसे भी बुलाओ, ये तो बचपना है भाई, जिद है आपकी गाइज, कोई बंदा नहीं आना चाहता तो क्या घर से पकड़ के लाऊ किडनैप करके लाऊ उन्हें, कैसी बात कर रहे हो यार, एनीवेज बच्चों वाली बातें बंद कीजिए गाइस, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, दिस इज एब्सोल्युटली चाइल्ड। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, तो अभी हम बात करने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में, क्योंकि उन्होंने फेसबुक और फ्री फायर बैन के ऊपर कुछ बोला है, तो उससे रिलेटेड छोटी क्लिप चलिए देखते हैं। जो भी गाइस फेसबुक की बात है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चीज है, तो फेसबुक शायद बैन नहीं होगा, ओके गाइस, तो फेसबुक के साथ आ गाइस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये भी नहीं बैन होगा, ओके गाइस, ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगी मगर शायद बैन ना नहीं होगा, ओके गाइस, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना,
नहीं होगा, क्योंकि यार मैंने ऐसा एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें गैस लिखा था जो फेसबुक का जो गैस उसने जो हम लोगों की इंडिया गवर्नमेंट की जो रूल है उनको गैस सही माना है और बोला गया है जे हम लोग ये चीज़ के एग्री करते हैं और यही चीज़ हम लोग करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए और भी। तो गैस शायद ये चीज़ जो बैन खेल रहे हैं आजकल दुनिया, फ्री फायर जो चीज़ें गए तो फ्री फायर भी मेन चीज जो है गैस, ओके, जो लोग जानते नहीं हो सके तो गैस फ्री फायर भी बैन हो सकता है, ओके, फ्री फायर भी बैन हो सकता है, सब चीज में बोले आप लोग चाहते हो तो गैस शायद फ्री फायर भी इंडिया में बैन हो जाए, ओके, ये चीज याद रखना। जो लोग सोच रहे हो मजाक कर रहा है, पबजी खेलना पड़ेगा तुम लोगों को, हर एक बंदे को याद रखियो, मगर गेम है गैस, खेलना अच्छी बात होती है। इसलिए इतना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच।